Hello guys, in this video we will be discussing a very interesting story behind the invention of stethoscope. हम सभी इस instrument से भलीभांति परिचित हैं. लगभग हर एक डॉक्टर और मेडिकल क्लिनिक में इसका प्रयोग आज होता है और ये मेडिकल साइंसेस के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है. इस बात को भी हम सभी अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, बट इसके पीछे की इसको बन करके आने में और इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होने का जो आइडिया है, उसको क्रिएट होने की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मोटिवेटिव है कि आप भी एक नॉर्मल इंसान अपने एक टैलेंट्स को, अपने अलग अलग मल्टी डिसिप्लिनरी टैलेंट्स को किस तरह से यूज़ करके एक रिवोल्यूशन और रिवोल्यूशनरी इंस्ट्रूमेंट बना सकता है. ये कहानी उस तरह की है. सो आई होप यू विल लाइक इट. सो हम सभी जानते हैं कि ये एक नॉर्मल स्टेथोस्कोप है जिसमें एक चेस्ट पीस होता है जिसको हम चेस्ट पे, छाती पर या बैक पे रख करके अंदर के धड़कनों को, हृदय गति को, सांस लेने के पैटर्न को, इन सभी चीज़ों को स्टडी करने में सहायता मिलती है. इसके साथ में एक ट्यूब अटैच्ड होता है और ईयर पीस में इसकी आवाज़ें सही से सुनाई देती हैं. बेसिकली ये जो आगे का हिस्सा है ये एक रेजोनेटर है जो हमारी साउंड वेव्स या फिर जो साउंड वेव्स की धमक इस तक पहुंचती है. ये इसको एम्पलीफाई करके डॉक्टर के कानों तक एक उचित आवाज़ में और एक उचित मात्रा में उसको पहचान करने लायक मात्रा में पहुंचा करके डॉक्टर की हेल्प करता है. तो ये एक नॉर्मल स्टेथोस्कोप है. स्टेथोस्कोप जो कि वर्ड है अपने आप में ही इससे क्लियर होता है. ये बना हुआ है स्टेथो प्लस स्कोप से. ये दोनों ही ग्रीक वर्ड हैं जिसका मतलब है स्टेथो मीन्स चेस्ट होता है, छाती होती है, और स्कोपी मीन्स बेसिकली एग्जामिनेशन. सो द एग्जामिनेशन ऑफ चेस्ट और वॉट इज इनसाइड द चेस्ट. बेसिकली दिस इज द इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स अस टू स्टडी द दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स. जब स्टेथोस्कोप जैसी चीज हमारे पास नहीं थी, उस समय जो मेडिकल एग्जामिनेशंस होते थे जब किसी भी पेशेंट को डॉक्टर को देखना होता था, तो कुछ इस तरह से छाती पर या बैक पर कान लगा करके डॉक्टरों को अंदर की चीज़ें या फिर पैटर्न्स को सुनना पड़ता था और जिसके हिसाब से वो मेडिकेशन या फिर अपना एग्जामिनेशन पूरा करते हुए उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते थे. ये प्रोसेस बहुत ही लंबे समय से यूरोप में और कई और देशों में चला आ रहा था. सभी डॉक्टर्स इस तरह से ही काम करते थे. बट वन डे व्हेन अ साइंटिस्ट, नॉट साइंटिस्ट बट से अ फिजियोलॉजिस्ट और अ मेडिकल सपोर्टर और अ मेडिकल एम्प्लॉई क्रिएटेड द स्टेथोस्कोप एंड फ्रॉम देन द मेडिकल फील्ड हैज चेंज्ड वास्टली. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ. सो रेने लेनियाक नाम का ये मेडिकल असिस्टेंट थे जिनका जन्म हुआ 1781 में और इन्होंने मेडिकल स्टडीज़ और फिजियोलॉजी की पढ़ाई करी. साथ साथ इनकी फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से इनका इंटरेस्ट म्यूजिक, फ्लूइड्स और पोएट्री राइटिंग में भी था. बट इन्होंने अपना सबसे पहला जो जॉब किया वो एक मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर किया. उस समय फ्रांस में फ्रेंच रिवोल्यूशन चल रहा था, तो उस समय आर्मी को बहुत सारे मेडिकल असिस्टेंट्स की हेल्प की ज़रूरत होती थी, तो इन्होंने अपना सबसे पहले जॉब वहीं पर की. उसके बाद जैसे ही वो पीस की एस्टेब्लिशमेंट हो गई, शांति की स्थिति हो गई, तो फिर इन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी मेडिसिन में ही और उसके बाद अपनी पहली जॉब किसी डॉक्टर के अंडर में करी. उस समय डॉक्टर्स के लिए ये बहुत ही नॉर्मल था कि कोई भी पेशेंट होता था, किसी भी तरह का पेशेंट होता था, उसके इंटरनल एग्जामिनेशंस के लिए ज़्यादा डेवलप्ड इंस्ट्रूमेंट्स तो थे नहीं, बट ये जो स्टेथोस्कोप का काम था उस समय वो डायरेक्टली कान लगा करके किया जा सकता था. लेनियाक वॉज वर्किंग वेरी गुड एट दैट टाइम एंड वन डे ही डिसाइडेड टू ओपन हिज ओन क्लिनिक. जैसे ही इनके मन में विचार आता है अपने ही खुद की क्लिनिक खोलने का, ये अपना सारा मेहनत करके क्लिनिक खोलते हैं. बट वन डे व्हेन अ वुमेन, एक यंग वुमेन जब इनके पास एग्जामिनेशन हर्ट डिसीज को लेकर के इनके पास दवा लेने के लिए आती है, बिकॉज इनका एक नेचर था, ये बहुत ही शाय थे, बहुत ही शर्मीले किस्म के थे, तो इनको वो जो मेथड है वो मेथड एम्प्लाई करने में ये बहुत ही अनईजी फील करते थे. इनके लिए वो ईजी नहीं था, तो ये इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हुए कि इन्होंने कुछ दिनों के लिए अपनी क्लिनिक बंद करी, क्योंकि ये उस तरह का एग्जामिनेशन खुद से कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे. इनको बड़ा ही अजीब लगता था और इसी वजह से इन्होंने अपनी क्लिनिक कुछ दिनों के लिए बंद कर दी. लेकिन एक दिन जब ये अपने बागीचे में ऐसे ही आराम कर रहे थे एक पेड़ के नीचे, तो इनको एक आवाज़ सुनाई देती है उसी पेड़ के पास से. ये आसपास एग्जामिन करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. बहुत देर तक ढूंढने के बाद इनको पता चलता है कि सबसे ऊपर की जो
टहनी है वहां पर एक वुड पैकर जो कि एक पक्षी होता है पेड़ में छेद करने की कोशिश कर रहा है, बट उसकी आवाज इनको पेड़ के जड़ के पास जहां ये लेटे हुए थे इतनी क्लियरली, क्योंकि इनका कान पेड़ के तने से टच हो रहा था, इतनी क्लियरली सुनाई दे रही थी। वहां से इनको एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हम ह्यूमन बॉडी में भी इस तरह का कुछ करके क्या हम अंदर की स्टडीज को और इजी बना सकते हैं क्या, क्योंकि इनका फ्लूइड कार्विंग में बहुत ही इंटरेस्ट था। तो इन्होंने इसी बात से प्रेरणा लेते हुए कुछ इस तरह का पेपर रोल से सबसे पहला ट्रायल किया, पेपर रोल बना करके इन्होंने सुनने की कोशिश करी और उनको समझ आया कि हाँ इस तरह का कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाया जा सकता है। इसके बाद लेनियक ने बहुत सारे डिजाइंस लकड़ी के और अलग अलग तरह के डिजाइंस बना करके इसको ट्राई करने की कोशिश करी और इस तरह से जो वर्ल्ड का पहला स्टेथोस्कोप जो कि सिर्फ एक रॉड थी जिसमें एक माइक्रोफोन भी नहीं था, बेसिकली माइक्रोफोन का एक डायरेक्शन था और दूसरा डायरेक्शन था जो कि कान में लगाया जाता था, स्टेथोस्कोप सामने आता है और इसके बाद इट क्रिएटेड अ ग्रेट रिवोल्यूशन इन द मेडिकल फील्ड। और आज स्टेथोस्कोप के बिना कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन ना शुरू हो सकती है और ना ही पूरी की जा सकती है। सो दिस वॉज अ स्टोरी बिहाइंड द स्टेथोस्कोप, आई होप यू लाइक इट, प्लीज कनेक्ट टू अस फॉर मोर सच स्टोरीज एंड प्लीज ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स बिकॉज यू कैन डू great things when you couple out all of your knowledge and all of your problems. Thank you so much.